फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, तूफान के बीच समुद्र चीर कर भारत आया मंदिर, सब हैरान। साइक्लोन असानी, आंध्र प्रदेश वायरल वीडियो। देखते हैं भैया, कोई आइडिया नहीं क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसने सबको हैरान कर दिया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो आंध्र प्रदेश का है। दरअसल आंध्र प्रदेश में समुद्र के अंदर से मंदिर के आकार का सोने का एक रथ निकल आया। इस रथ को देखकर सब हैरान हो गए। सोने के इस रथ को देखकर लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान आसनी आंध्र प्रदेश की तरफ आ रहा है, जिसके कारण समुद्र में लहरें तेज हो गई हैं और भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। अब इसी तूफान के बीच अचानक समुद्र से ये सोने का रथ प्रकट हो गया है। कई स्थानीय लोग तूफान के बीच इस रथ को निकालने के लिए समुद्र में उतर गए। जानकारी के मुताबिक ये सोने का रथ आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के सुन्नापल्ली तट पर मिला है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि ये रथ किसी दूसरे देश से बहकर आया हो। आपको बता दें कि कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि हो सकता है ये रथ म्यांमार, मलेशिया या थाईलैंड से बहकर पहुंचा हो। चलिए ये वीडियो आपको एक बार दिखाते हैं। फ्रेंड्स, कमाल की न्यूज़ है। कैन यू इमेजिन कि भैया इतनी कहीं दूर से तैरता हुआ फ्लोटर, वहां पर उनका उनका वहां से रखा होगा, गए होंगे अंदर खाना पीना खाने के लिए। कहां गया हमारा? नहीं, कहीं वहां पे कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि वहां साइक्लोन आया हो और वहां से ऐसे कुछ है कि उनका डिस्ट्रक्शन हुई और वहां से वो तैरता हुआ इंडिया, या किसी भाई साहब ने इलीगली माल छुपा रखा हो, कहीं फ्लोट हो गया आ गया? नहीं, यहाँ वो अंदर हो, पानी के अंदर, और क्योंकि अब छुपा नहीं, वो बहुत पुराना हो और वो डूबा हुआ हो। नहीं, अभी तो तैर रहा है, तो उसका मतलब तो ऊपर आ गया हो कहीं फंस के, अब वो ऊपर आ गया, फ्लोट कर रहा है। तो मोस्ट लाइकली ये तो होगा कि किसी का कहीं पे कोई पार्ट था तूफान में, वो टूट गया, फ्लोट है तो यहाँ आ गया। अमेजिंग। या फिर किसी ने इलीगली रखा हुआ था, उसका वहां पे जो भी था टूट के यहाँ तक आ गया। पता चलेगा एग्जैक्टली किस कंट्री का है, कहाँ से, इंडिया का तो नहीं लग रहा, जैसे लग रहा है पॉसिबल है म्यांमार वगैरह का लग रहा है कि, मगर कहीं से तो मतलब ये इंडिया का आर्किटेक्चर लग नहीं रहा। नहीं, क्योंकि इस टाइप का तो थाईलैंड या मलेशिया में ही आपको दिखते हैं, जब उनके मंदिरों में वो देखो तो इस टाइप का जैसे होता ना, यूं करके शेप। पॉसिबल है म्यांमार का, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली ईस्ट कोस्ट की बात कर रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश के ईस्ट कोस्ट में हो सकता है म्यांमार से आ गया, पॉसिबल है। तो ये तो पता भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भैया वहां पे पूछ रही, अभी ये न्यूज जाएगी तो उनको पता चल जाएगा कि भैया किस कहां कि कोई जो भी मंदिर उनका है जिसका पार्ट वहां से गायब हो गया, तो उनको पता चल जाएगा कि हमारा पार्ट ये यहां। अगर लीगल होगा तो सामने आएंगे, अगर इलीगल होगा तो कोई नहीं आएगा सामने। अब ये कह रहे सोने का, मुझे ये नहीं पता कि सोने का एक्चुअल सोने का गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड की प्लेट कलर किया हुआ है। नहीं, मतलब गोल्ड प्लेटेड है ये एक्चुअली सोने का, वो तो एग्जामिन करने के बाद ही पता चलेगा। अभी गवर्नमेंट पूरा एग्जामिन करेगी और चेक करेगी कहाँ का क्या चीज है, क्या बढ़िया है, उसको शोकेस करेगी। आई होप कि दिखाए अंदर क्या, कौन सा मॉन्यूमेंट है, कोई भगवान है, कौन सा भगवान है, क्या चीज है, तो देखने में काफी अच्छा लगेगा। और डेफिनेटली अभी तो शुरुआत हुई है, इसके बाद और डिटेल्स आने चाहिए उसके बारे में, और फिर ये भी कि कौन सी कंट्री किस चीज को क्लेम करती है, कभी क्लेम नहीं करेगी और इंडिया का हो जाएगा। नहीं, इंडिया का ही हो जाना चाहिए, इंडिया के पास आ गया। नहीं, ये तो ऐसी बात नहीं, अगर मान लीजिए कोई बंदे का लीगली है और वहां से फ्लोट होते हुए यहाँ पे आ गया, तो गुडविल भगवान जी चाहते हैं कि यहाँ पे आए, गुडविल से लोग रिटर्न कर देते हैं कि चलिए आपका पार्ट है यहाँ पे आ गया,
गुडविल है, आपको वापस दे रहे हैं। हाँ, किसी के मंदिर का पार्ट है वो तो है कि वापस दे दो, पर क्वेश्चन ये है कि देखो चमत्कार है कि ऐसे तैरता 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 है यहाँ इंडिया में आ गया और किसी ने उस टाइम देख भी लिया और फिर देखा नहीं कैसे पानी के अंदर सब जाके, और जबकि इतनी स्ट्रॉन्ग वेव्स आ रही है मतलब मौसम खराब हो रहा है, और वहां पे वो खास गए हैं और उसको फिर लेके भैया। हाँ, और जो भी देखा था नोटिस किए तो जो भी जा रहा था वो पहले जय कर रहा था। हाँ, फिर लेके आ रहा था। हाँ, श्रद्धा जो है इतना वो है कि भैया आप पहले भगवान जी को करो, इसलिए तो गए कि भैया किसी तरह से भी सेव करके उन डूबे नहीं उस यहाँ तक ले आए, ले आए थे, ले आए ले आए। अब जो है उसको स्टडी करके देखना चाहिए कि क्या है, कहाँ से आया है, और कोई है तो पहले न्यूज में बताएं ताकि वो कांटेक्ट करके बताएं कि कहाँ से आया है। वीडियो वायरल हो गया तो इसका मतलब पता चल ही जाएगा, जल्दी पता चलना चाहिए। मेरे को तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है यार, कहाँ से आया और इतनी दूर भगवान जी ने भेजा मुझे लगता है स्पेशली हमारे यहाँ पर। नहीं मतलब जो भी है ऐसे भगवान इंटरफेयर नहीं करते इस तरीके का, मगर ये कमाल की बात है कि आ गया, तैरता तैरता आ गया और पता चलेगा अभी इसके पीछे क्या है। बट डिजाइन तो थोड़ा म्यांमार टाइप का ही लग रहा था, तो मुझे तो थाईलैंड लग रहा, बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस लग रहा था। मुझे थाईलैंड लग रहा है, थाईलैंड या मलेशिया, थाईलैंड हाँ, बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस लग रहा था, और हो भी सकता है लॉर्ड बुद्धा का हो। और मगर बहुत ही प्यारा था, इन्होंने बताया नहीं उसके बाद, मतलब आर्कियोलॉजिकल वाले आए, कौन आए जो इस पे स्टडी करेंगे और पता करेंगे क्या चीज है। और आई होप कि ये न्यूज यहाँ खत्म ना हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली पता करना होता है क्या किसी ने क्लेम किया, भाई किसने क्लेम किया किसने नहीं किया, मगर अमेजिंग बातें हैं। और ये स्टॉर्म का जो दिखाते फुटेज बड़ा दुख हो रहा था, डिस्ट्रक्शन देखिए कितने घर टूट गए थे, कितने मतलब अभी तो आ रहा है, टूट गया आ रहा है, अभी तो आ रहा है वो कहीं और से पहले का दिखा रहे हूँ, नहीं जो दिखा रहे हैं वहां मेरे ख्याल से दिखा रहे होंगे कि मौसम अभी खराब हो रहा शुरू हो गया, डिस्ट्रक्शन तो अभी नजर आ रही थी, वो कहीं और की दिखाई होगी जहाँ से आ रहा होगा शायद, पता नहीं। डिस्ट्रक्शन मुझे तो ये लग रहा है कहीं जहाँ पे पहले से था शायद कहीं वहां पे डिस्ट्रक्शन हुई और वहां से ही मंदिर साथ साथ जो है तैरता हुआ ये जो पार्ट है मंदिर का वो भी तैरता तैरता यहाँ आ गया हो, क्योंकि वेव्स भी तो भारी हो रही हैं, वो इधर की तरफ आ रही हैं, तो हो सकता है वो वहां से डिस्ट्रक्शन की हो और कोई एक मंदिर जो टूटा होगा या जो हुआ होगा वो यहाँ पे तैरता हुआ इधर इंडिया के पास आ गया होगा, क्या पता। पर वहाँ गांव वालों को कितनी एक्साइटमेंट हो रही होगी, यहाँ पे उनको लग रहा है कि साइक्लोन के लिए प्रिपरेशन करो, ऊपर से उसके ऊपर ये एक्साइटमेंट। अगर किसी ने क्लेम नहीं किया तो गांव वालों को अपने वहाँ पे लगा रख लेना चाहिए कि भैया ये मतलब गवर्नमेंट का है, मगर वहाँ पे टेम्पल बना लीजिए कि ये भगवान की मतलब दुआ से यहाँ पे आया है, गिफ्ट समझ लीजिए कि आ गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बट बहुत ही अमेजिंग था। मैं तो सोच ही नहीं सकती थी ना कि कैसे हो सकता है, कभी सोच सकते ऐसे तैरता हुआ आ जाए। मुझे तो मेरे को लग रहा था कि शायद अंडरग्राउंड कहीं पे बहुत टाइम से होगा अंदर और वो अब ऊपर उठ के आ गया हो। क्या वाकई बताइए कि कितने लोगों ने इस वीडियो को पहले देखा हुआ था, क्योंकि कह रहे हैं वायरल हुआ है। आप लोगों ने देखा हुआ था क्या पहले से बताना, हमने हमारा तरफ से कोई वास्ट नेटवर्क नहीं है जहां हमें वायरल वगैरह आए, मगर अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत ही अमेजिंग था, वेरी डिफरेंट न्यूज, नोबडी कैन बिलीव कि कहीं दूर से तैरता हुआ ऐसे वो, मतलब कितनी प्रॉब्लम्स होती है रस्ते में, वेव्स इतनी हाई होती है सब होता है, डूबने के चांसेस थे पर डूबा नहीं, पूरा इंडिया तक पहुंच गया। वही है मैं कह रही हूँ भगवान जी ने खास इंडिया का सामान इंडिया वापस आ रहा है को पता नहीं तो बताना आपको क्या लगता है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।